नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कासगंज में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी नफीता काटकर किया। वहीं उन्होंने बच्चों को दवा खिलाई और बच्चों के स्वास्थ्य के सभी अपील की है। आपको बता दें कि कासगंज के तरौरा प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई है। साथ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ACMO सभी ने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उनको दवाइयां खिलाई हैं। श्रावस्ती में औषधि निरीक्षक प्रीति सिंह ने जब से कार्यभार संभाला है तब से लगातार जिले में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी का निरीक्षण किया जा रहा है। अब तक श्रावस्ती के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 150 से 200 मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण किया गया और सैंपल भी लिए गए। मजिस्ट्रेट और औषधि निरीक्षक संयुक्त टीम द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर में मौजूदा दवाओं की सैंपलिंग के लिए लैब भेजा जा रहा है। परिणाम आने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। आपको बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर प्रीति सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में लगातार संचालित मेडिकल स्टोर पर छापेमारी का निरीक्षण किया जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। पिछले वर्ष तो कम से कम 150-200 दुकानों का लगभग जो है निरीक्षण किया गया, 200 नमूने एकत्रित किए गए और काफ़ी उनमें फेल भी आए हैं जिनकी विवेचना चल रही है। और पिछले वर्ष के बाद आगे का जो वर्ष चल रहा है इसमें भी काफ़ी दुकानों पे अभी छापेमारी की गई है। आज ज्वेलरी पेशेवर एसोसिएशन की सभा सीपरी बाजार स्थित हीरोज ग्राउंड के सामने कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें शहर शाखा के अध्यक्ष के रूप में हरिराम कोस्टा, आवास विकास शाखा के अध्यक्ष के रूप में विजय सैनी, मंडल सचिव के रूप में SK अग्नि को नियुक्त किया गया है। सर्वसम्मति से बैठक की गई, अध्यक्षता मंडल RK सहरिया ने की। इस अवसर पर मंडल कार्यकारी अध्यक्ष अर्चन रजौरिया, मंडल कोषाध्यक्ष JK ओदोनिया, मंगल सिंह को सचिव खड़क सिंह, शिवपुरी शाखा के अध्यक्ष महेंद्र सहरिया, मंत्री अशोक चक्राल, आवास विकास शाखा के पान सिंह विश्वकर्मा, शहर शाखा के सचिव दिनेश तिवारी सहित सभी शाखाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज रेलवे पेंशनर एसोसिएशन की मासिक बैठक थी जो प्रत्येक 10 तारीख को होती है, और इस मीटिंग में हम लोगों के द्वारा विशेष रूप से जो एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मंडल सचिव के रूप में श्री SK अग्निहोत्री जी को, इसके साथ ही साथ शहर शाखा अध्यक्ष के रूप में हरिराम कोस्टा जी को और आवास विकास शाखा के अध्यक्ष के रूप में विजय सैनी जी को नियुक्त किया गया है। अमीरपुर में शिवम पैलेस के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई। ट्रैक्टर चालक नशे में धुत था। कार में सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। मामला कोतवाली राठ कस्बे के बाराखम्मा शिवम पैलेस के पास का बताया जा रहा है। एक और योगी सरकार निरंतर गौशाला में पैसे खर्च करते नजर आ रही है, जिससे गांव की रक्षा हो सके, परंतु रामपुरा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि योगी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। गौशाला में गांव के लिए ना तो भूसा की व्यवस्था है और ना ही पानी की व्यवस्था है। वहीं गौशाला में गायों के कंकाल साफ तौर पर पड़े दिख रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि की हिमाकत तो देखिए, जैसे यूपी में बैठे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का इन्हें कोई डर ही नहीं है, जैसे अपने आप को ग्राम का राजा समझते हैं, कुछ भी करते रहे कोई देखने वाला नहीं है। वहीं जिसे हम सब राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं उनका हाल देखो। वहीं जिस महापुरुष का नाम हम सभी जानते हैं, जिनके जिक्र देश की आजादी के लिए किया जाता है, जिसने हमें अक्सर भारतीय मुद्रा में देखते हैं, प्रधान प्रतिनिधि द्वारा उनके पत्थर की हालत इस प्रकार की गई है जिस प्रकार आप देखकर दंग रह जाएंगे। आखिर अपने आप को देश के महापुरुष से ज्यादा आंकते हैं, इसलिए तो इनकी हिमाकत देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि प्रधान की करतूत वही, जब हमारे सामने प्रधान से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। सूबे में बैठे जिलाधिकारी रूप में बैठे सूबे के मुखिया इस ओर ध्यान देकर ऐसे प्रधान पर कड़ी कार्रवाई कब तक करते हैं, इस बात का इंतजार है। बांदर स्थानीय प्रशासन की वजह से ठेकेदार द्वारा किसानों के उपयोग की भूमि पर जबरन कब्जा बनाया जा रहा है। यूको टूरिज्म पार्क बनाने के लिए किसानों के खेत में पानी जाने वाली नाली को भी ठेकेदार ने बंद कर दिया। खेतों में पानी न पहुंचने किसानों के सैकड़ों बीघा फसल सही नहीं हो पा रही है। सरकारी नियमों को दरकिनार कर मनमानी तरीके से ठेकेदार स्थानीय प्रशासन की मदद से यूको टूरिज्म पार्क बना रहा है। यूको टूरिज्म पार्क के नाम पर सुरक्षित भूमि से जल्द नहीं हटाया गया कब्जा तो अनशन के लिए बाध्य हो जाएंगे, किसानों को साफ तौर पर कहना है। जिलाधिकारी ने किसानों को न्याय का भरोसा दिया है। हम लोग ये जो यूको हमारे यहाँ खुल रहा है, जंगली क्षेत्र बनने जा रहा है, उससे हम लोगों किसानों को बड़ी दिक्कत आगे बढ़ रही है। विरोध है, ये जो है सरकारी भूमि जो ग्राम समाज की खरिहान नंबर हड़ावर नंबर जो ये खाद गड्ढे आबादी इन सब जमीनों में अवैध कब्जा अपना करता है। जिले के खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। मिड डे मील भोजन के लिए भीगे चावल भेजे जा रहे हैं। शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोटेदार ने मिड डे मील के भीगे चावल रिसीव किए। भीगे चावल खाने से बच्चों में संक्रमण की बीमारियां हो सकती है। स्थानीय ग्राम प्रधान ने कोटेदार पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया है। इकोना क्षेत्र के मजगवा कोलाभार का एक पूरा मामला है।
पिछले वर्ष तो कम से कम 150-200 दुकानों का लगभग जो है निरीक्षण किया गया, 200 नमूने एकत्रित किए गए और काफ़ी उनमें फेल भी आए हैं जिनकी विवेचना चल रही है। और पिछले वर्ष के बाद आगे का जो वर्ष चल रहा है इसमें भी काफी दुकानों पे अभी छापेमारी की गई है। पौड़ी में हो रही भारी बारिश के चलते जहां सड़कें लगातार बंद हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। जनपद पौड़ी में बीते रोज हुई दुर्घटनाओं के बाद गुरुवार को पौड़ी में एक सड़क दुर्घटना हो गई। कलजी खाल ब्लॉक के खैरालिंग के समीप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। पौड़ी के कजलीखाल ब्लॉक के खैरालिंग के समीप एक वाहन पुश्तार ढहने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नायब तहसीलदार हरिंद्र खत्री ने बताया कि कजलीखाल ब्लॉक से पौड़ी आ रहा वाहन सड़क पर बैक हो रहा था, तभी पुश्तार ढहने से वाहन सड़क से नीचे जा गिरा जिसमें 7 लोग सवार थे, 7 घायल हो गए हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवरी उदपुर कोतवाली क्षेत्र में ग्राम गाजीपुर भली में धान के खेत में जाने से मना करने पर एक परिवार को ये महंगा पड़ गया है जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। आपको बता दें कि कार्रवाई गांव के निवासी फरदीन अंसारी की शिकायत पर हुई है। आरोप है कि कुछ दिन से बच्चों की मार्कशीट के लिए चक्कर लगवा रहे और मांगने पर धमकी दे रहे हैं। जबरदस्ती धान की फसल को बर्बाद करने की भी धमकी दी जा रही है जिसके विरोध करने पर मारपीट करने पर उतारू हो गए जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। जैसे कि हम लोग एमडी जफर शिक्षा संस्थान गाजीपुर वहीं से ही स्कूल में पढ़ते थे, तो उनका प्रिंसिपल जो है उनका लड़का टीचर था उसमें, तो वो पढ़ाता था तो लड़कियों के साथ छिड़खानी करता था, तो हम लोग विरोध किए हम दोनों, तो हम लोगों को मारता था, तो हम लोग वीडियो बनाए तो प्रिंसिपल दिखाए, प्रिंसिपल को दिखाए तो प्रिंसिपल जो है कि गेट बंद करके और हम लोगों को मारे और मार के निकाल दिए स्कूल से बाहर, और आके घर पे फिर माफ़ी वूफ़ी मांग लिए। उसके बाद हम लोग गए रजिस्ट्रेशन नंबर मांगने के लिए तो वहाँ से भगा दिया। तो गौड़ा में होमगार्ड ने खुदकुशी कर ली। कैंसर पीड़ित होमगार्ड ने खुदकुशी की। उच्च अधिकारियों के उत्पीड़न से परेशान था, ड्यूटी को लेकर परेशान चल रहा था होमगार्ड अखिलेश तिवारी। नियम को ताक पर रखकर डायल 112 में ड्यूटी लगाई जा रही थी। होमगार्ड ने डीएम के नाम सुसाइड नोट लिखा है। सुसाइड नोट में डायल 112 के अफसरों को जिम्मेदार ठहराया, घर पर सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी की। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में बीते 3 से 4 अगस्त को हुए भूस्खलन हादसे में लापता चल रहे 20 लोगों के सर्च और खोजबीन में लगी रेस्क्यू टीमों को 7वें दिन सफलता मिली है। अभी तक 2 व्यक्तियों के शव मिल चुके हैं। 23 लोगों में से अभी तक 5 लोगों के शव मिल चुके हैं, बाकी 18 लोगों की खोज जारी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने जानकारी दी है कि सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया, इस दौरान 20 लोगों में से लापता चल रहे एक व्यक्ति का शव बरामद किया जिसका नाम वीर बहादुर है। मृतक की पहचान उसकी जेब में मिले आधार कार्ड के माध्यम से हुई है। पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है। वहीं रेस्क्यू टीमें भी लगातार, पुलिस उपनिरीक्षक सोनप्रयाग सुरेश कुमार ने कहा कि 7वें दिन सुबह एक व्यक्ति का शव मिला था जिसकी शिनाख्त हो चुकी है, तो वहीं दोपहर में भी रेस्क्यू टीमों को एक शव मिला है जिसकी शिनाख्त कर ली गई है। ऋषिकेश आसपास के इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश कहर बनकर बरस रही है। जगह जगह बरसाती नाले उफान पर हैं जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मुनिकीरेती के खारासोत्र क्षेत्र में देर रात लोगों के घरों में पानी भर गया। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाती हुई नजर आई। चंद्रभगा नदी में भी पानी का बहाव काफी तेज है। कई सालों के बाद चंद्रभगा में नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। एक ट्रक चंद्रभगा नदी में फंसा हुआ भी दिखाई दिया। तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को मनाली का सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए प्रशासन लगातार आगाह कर रहा है। हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी गांव में गंगा का तटबंध टूटने से हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर तटबंध टूटने के बाद मौके पर पुलिस बल, एचडीआरएफ और गोताखोरों को तैनात किया गया है। गंगा का पानी तटबंध टूटने के बाद गांव में घुस रहा है जिसके चलते गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं। करीब 5,000 की आबादी वाले कांगड़ी गांव के साथ साथ 5 गांव उसके चपेट में आ सकते हैं। पुलिस विभाग द्वारा फोर्स तैनात के साथ गांव में नदी के किनारे न जाने की हिदायत दी गई है। आपदा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बारिश के चलते बड़े गंगा के जलस्तर से कांगड़ी गांव के पास बना तटबंध टूट गया है जिससे कांगड़ी गांव के साथ साथ सज्जनपुर, गाजीवाली और पीली सहित 5 गांव को भी खतरा पैदा हो गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है, टीमें तैनात है, लगातार लोगों को आगाह किया जा रहा है। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के गांव में जमीनी वाद को लेकर दो पक्षों में पुलिस के सामने पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस की मौजूदगी में कुछ महिलाएं पथराव करती दिखाई दे रही हैं। एक पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरपालपुर थाना क्षेत्र के पलिया गांव में ब्रिजेश और दिनेश के बीच जमीनी विवाद चल रहा है जिसमें ब्रिजेश के बेटे देशराज अपने घर में एक दीवार बना रहे थे जिसको दूसरे पक्ष के दिनेश ने मना कर दिया। मामला थाने पर पहुंचा, पुलिस ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य बंद करवाते दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत किया है। फिलहाल दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। ये थाना हरपालपुर में ग्राम पलिया है, वहाँ पे दो पक्षों में दीवार बनाने को लेके झगड़ा हुआ था और जिसका वीडियो वायरल हुआ है। इसमें NCR दर्ज करके और इसमें 151 की कार्रवाई की गई है। उनका मेडिकल भी कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे अगर चोटें ज़्यादा होंगी तो उचित धाराओं में तरमीम भी किया जाएगा।
पीलीभीत की पूरनपुर तहसील इलाके की शारदा नदी इन दिनों पूरे उफान पर है। चौधिया हजारा गांव के करीब 1400 घरों में पानी घुस गया है। गांव के निचले स्थानों पर भी जलभराव हो गया है। घुटनों से कमर तक पानी भर जाने से ग्रामीण अनहोनी की आशंका में पूरी रात जागते रहते हैं। गांव वाले घरेलू सामान खाने का राशन उच्च स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद न होने से ग्रामीणों में रोष है। बाढ़ खंड की तरफ से बचाव कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उन बचाव कार्यों से लोगों को बाढ़ के कटान से नहीं बचाया जा सकता। आपको बता दें कि पहले से तबाही मचा रही शारदा नदी ने रविवार को करीब 2.25 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने से रौद्र रूप ले लिया है। हापुड़ के पक्का बाग में स्कूली छात्राओं ने दुकानदार की लाठियों से जमकर पिटाई कर दी। दुकानदार पर छात्राओं को गाली देने का आरोप है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये थाना हरपालपुर पे ग्राम पलिया है, वहाँ पे दो पक्षों में दीवार बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था और जिसका वीडियो वायरल हुआ है। इसमें NCR दर्ज करके और इसमें 151 की कार्रवाई की गई है। उनका मेडिकल भी कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे अगर चोटें ज्यादा होंगी तो उचित धाराओं में तरमीम भी किया जाए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।